आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बसंत पंचमी स्पेशल मीठे चावल। आइए देखते हैं वीडियो में कैसे बनाना है। बसंत पंचमी स्पेशल चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं, जितने चावल लिए हैं उसका डबल पानी, और केसर वाला दूध लिया है, केसर भिगो रखी है, शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ड्राई फ्रूट्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपके पास हो तो वो आप डालिएगा, और ये इलायची पाउडर अगर आपको पसंद है तो, और देसी घी। चलिए अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं। थोड़े घी में हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे, लो फ्लेम पर करना है ताकि थोड़ा सा करारे हो जाए। और एक तरफ हम चावल बॉईल करेंगे, इसको निकाल करके इसी कढ़ाई में हम चावल बॉईल कर लेंगे। पूरा इसे पकने ना दें, अब इसमें हम डाल देंगे ये केसर वाला दूध और ऊपर से चीनी। चीनी और केसर वाला दूध हमें बाद में डालना है, अगर हम चीनी पहले डाल देंगे तो हमारा चावल गलेगा नहीं, तो थोड़ा गलने के बाद, पूरा ना गले उसके बाद हम केसर का दूध डालेंगे और चीनी डालेंगे ताकि मिठास उसमें बनी रहे और चावल भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट रहे। अब फिर इसको हम लो फ्लेम कर देंगे और इसको ढक करके 2 से 3 मिनट तक और पकाते हैं। अब डाल देंगे हम इसमें इलायची का पाउडर, अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, वैसे मीठे चावल में इलायची अच्छी लगती है तो वो आपकी पसंद के ऊपर है, स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा चीनी भी पानी छोड़ती है, बाद में ये अपने आप से एब्जॉर्ब कर लेंगे चावल पानी को, क्योंकि हमने इसको पूरा नहीं पकाया था। चावलों में कलर बहुत अच्छा आया है, अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। देसी घी डालिएगा इसमें बस। अब 1 मिनट हम इसको और पकाते हैं। फिर चेक करते हैं। अब हमारे चावल रेडी हैं, गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। ये 10 मिनट में हमारा मीठे चावल रेडी हो गए, और इसके ऊपर से हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। कुछ ऊपर से डालेंगे, तो ये हमारे मीठे चावल बसंत पंचमी स्पेशल हमारी रेडी है। चलिए हम सर्व करते हैं, और हमारा फ्लेवर भी अच्छा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।